हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फ्रेंड्स, अब चैप्टर 1.3 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। जो जो नंबर है, मान लो कोई एक नंबर है, पहला नंबर देते हैं 36/100, कोई नंबर है ए वाला नंबर। तो इस नंबर को आपको सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी कंप्लीट डिवाइड करो। उसके बाद बताओ कि किस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि तीन टाइप का हो सकता है, या क्या हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, एक एनटीआर हो सकता है। एनटीआर का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दूसरा होता है एनटीएनआर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। पिछले वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने एनटीआर एनटीएनआर बताया था, ठीक है ना। 36 को आप 100 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है, पहले जीरो लिखोगे, जीरो पॉइंट, जैसे पॉइंट लिखोगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद 36, यानी ये वाला क्या है, टर्मिनेटिंग खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल यही तो हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाए। बस उसका सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं 1/11, बी है 1/11। आप इसको नहीं आपको पता है तो सिंपल, अगर आपको टाइम लग रहा है ना तो सिंपल आप ऐसे करके डिवाइड कर लो 1/11। इसको डिवाइड करके हम सबसे पहले पॉइंट दोगे, ठीक है, पॉइंट दोते हो तो एक जीरो आता है, अभी भी छोटा पड़ जा रहा है, 10 11 अभी भी डिवाइड नहीं कर पाते हो, तो एक जीरो दो, एक जीरो दोगे तो यहाँ जीरो आएगा। अब क्या करोगे, 11 9 जा 99, यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है ना। फिर से क्या करोगे, बार बार पॉइंट देने से, तो एक पॉइंट के कारण जीरो आया, उससे नहीं डिवाइड हो रहा, फिर से जीरो देना पड़ा, तो 199। तो आप ऐसे देख रहे हो 0.09 09 09 09 09 आता रहेगा, लेकिन डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि सेम नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, 100 आता रहेगा। तो यानी हम इसको बोल सकते हैं 0.09, यानी 09 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो जिस पे जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस पे बार, इसको बोलते हैं बार डाल देते हैं। इसका मतलब सिंपल मतलब है कि 09 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब रिपीट तो हो रहा है भाई, ठीक है ना। इसको मतलब रिपीटिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो तीनों अलग हो सबसे, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन आप मान लो 22 को आप 7 से डिवाइड करते हो, यहाँ पे जो नंबर आता है वो ऐसा कुछ नंबर आता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इस चैप्टर में जो इस क्वेश्चन में बेस्ट मेनली यही क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम्पल देख लो सब ऐसे ही है, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन को बार बार करवाने से कोई फ़ायदा नहीं, आप कर लो इसमें से, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन अभी करते हैं हम। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि 1/7 को आप लिख सकते हो 0.142857 पे बार। इसका मतलब क्या है कि जब वन को आप 7 से डिवाइड कर रहे थे तो जो नंबर आ रहा था यहाँ पे आ रहा था 0.142857, मतलब ये नंबर डिवाइड हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार 1, 4, 2, 8, 5, 7, और कभी टर्मिनेट हो ही नहीं पा रहा है। जब नंबर मतलब ये नंबर सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और कभी ख़त्म हो ही नहीं रहा है, इसलिए इस पर्टिकुलर नंबर पे हमने बार लगा दिया। इसका मतलब ये नंबर इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, उसके बावजूद भी कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको बता रहा है कि क्या 1/7 को ऐसे आप लिख सकते हो, तो क्या 2/7 को ऐसे लिख सकते हो बिना डिवाइड किए, बिना इतना लंबा डिवाइड किए, तो लिख सकते हो आप 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 × 0.142857 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 होगा, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा ये हो गया, ये भी बार होगा। 3 से मल्टीप्लाई करना हो 3 से कर देना, 4 से 5 से जिससे भी करना आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं बोल सकते क्योंकि ये मैं थर्ड क्वेश्चन को इसलिए इंपॉर्टेंट बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आते हैं, इवन बैंक SSC एग्जाम वगैरह होता है, मतलब जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें भी आते हैं,
ठीक, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अभी तक हमने देखा पी बाई क्यू हमें दिया होता है, 10/3 दिया होता, हम झट से डिवाइड कर लेते, लेकिन अब बताओ कि अगर कोई नंबर नंबर डेसिमल में दिया है उसको आप कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में करोगे, ये तो मुश्किल काम है ना। मुश्किल काम और थोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कोई इस टाइप का दिया हो 2.5, इसको तो आप झट से क्या कर लोगे, एक मिनट में आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कर लोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, 5 by 2 बोल दोगे, आराम से बोल दोगे। लेकिन हम थोड़ा इसमें परेशानी बढ़ाते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन इसका है वो बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.6 नहीं है, ध्यान दीजिए 0.6 पे बात है। 0.6 होता तो आप आसानी से बोल देते कि पॉइंट को हटाते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, 2/5 सिंपल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है 0.6 पे बार, ठीक है ना। लेकिन ये भी मुश्किल नहीं है, देखो हमने मैंने बताया था कि x, मान लो कोई नंबर है x इक्वल टू 0.6 पे बार है, यानी बार का मतलब होता है नंबर रिपीट हो रहा है, यानी इस टाइप से कोई नंबर है। इनफाइनाइट टाइम्स आप गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट टाइम से तो यानी एक इससे एक दो आप निकाल भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही नंबर रहेगा। तो अब एक चीज़ हम करते हैं, इसको इक्वेशन वन मान लो, ठीक है ना। अब क्या करो, इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से, देखना क्या होता है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड करोगे तो यहाँ 10x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 6.66666। क्या आपको आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे यहाँ से एक डिजिट 6 इधर आ गया तो यहाँ पे कम गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनफाइनाइट में से समुद्र में से एक बूंद पानी लेने से आप समुद्र में, आपको अब बोलेगा कि नेट अब जो पानी है समुद्र का कितना है, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे समुद्र का पानी माइनस एक बूंद, क्योंकि एक बूंद आपने ले लिया उसमें से, आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि समुद्र के पानी का डेफिनेशन में कोई चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें जितना 6 है सेम उतना ही 6 इसमें अभी भी है, तो अब आसानी से कर सकते हो आप कि अब क्या कर सकते हो, इक्वेशन 2-1 कर दो, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 10x में से x गया तो क्या हो गया, 9x। इधर आप घटाओगे तो यानी ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन दोनों में सेम है तो सीधा कट जाएगा। जैसे आप 2.5 में से 0.5 घटाते हो तो क्योंकि ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन है तो सीधा घट के 0 आ जाता है, यहाँ पे 2 में से 0 गया, 2 बचता है। सेम इस तरह यहाँ से यहाँ पूरा पोर्शन सेम है एज इट इज है, तो यहाँ इसको इसमें से माइनस किए तो बचा 0, और यहाँ पे 6 में से 0 माइनस किए तो 6, 6.0 या 6 दोनों सेम ही बात है। तो आप x को ऐसे लिख सकते हो 6/9, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यानी x इक्वल्स टू 2/3। पी क्यू के फॉर्म में लिखती है जहाँ पे p और q इंटीजर है और q 0 भी नहीं है, जो कि हमें आना चाहिए था, मतलब ऐसा हमें पहले ही अप्लाई कर दिया गया था, क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया गया था कि q 0 नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली q अगर 0 आ जाता तो क्वेश्चन ही अनडिफाइंड है, यानी वो पर्टिकुलर नंबर ही अनडिफाइंड है, ठीक है ना। इसका सेकेंड क्वेश्चन एक और करते हैं, 0.47, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो इस क्वेश्चन के एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले कोई नंबर दिया था 0.6, हमने उस नंबर को मान लिया कि वो नंबर x नॉर्मली मानते ही है, x इक्वल टू 0.,  क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा था तो हमने बहुत बार लिख दिया अपने मन से, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 10x इक्वल टू 6.6666, मतलब इतना। अब इसमें माइनस करते हैं तो 10x में से x माइनस करेंगे तो 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, और इसमें से ये टोटल माइनस हो गया क्योंकि समुद्र का वाला एग्जांपल दिया था, सिर्फ माइनस के लिए तो टोटल कंप्लीट 0 हो गया। तो 9x - 6 = 6, तो x कैसे निकला आप देख ही सकते हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी 0.47, ध्यान देना है यहाँ पे सिर्फ बार सिर्फ 7 पे है, 4 पे नहीं है, ठीक है ना। तो इसको करने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो तो यानी x इक्वल हम मान लेंगे 0.4, इसको 7 7 7 7 करते हैं। एक चीज आप मुझे बताओ, क्या हम इसमें 10x कर सकते हैं, 10x कर लेंगे तो 4.7 7 7 7 7 7। अब देखो ये हमारा इक्वेशन है 1 a 2, अब इसको इसमें से इस
इसको इसमें से माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो क्या ये वाला 7 था, ये वाला 4 है, 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। ध्यान देना, 10 से मल्टीप्लाई तभी कर सकते जब एक नंबर हो डेसिमल के बाद और वही रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद दो नंबर है। तो अब हमें कैसे भी करके हमें पॉइंट के बाद तो 0 लाना था ना माइनस करके, तो हम एक चीज और कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यह है इक्वेशन वन इंटू 100 करें तो हम क्या कर सकते हैं, 100x इक्वल्स टू अब 47, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 इधर आ जाएगा, 47.77777, ठीक है ना? एक इक्वेशन ये वाला है टू, लेकिन क्या अभी भी आप माइनस कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, यानी हमारा ये भी तरीका गलत है, ठीक है ना? तो अब सही तरीका बताता हूँ, ठीक है ना? सबसे पहले आप क्या कर लो, 10 से मल्टीप्लाई करो, देखिए दोनों, आप दोनों गलती क्या कर रहा था वहां पे मतलब पता चल गया ना। तो पहला इक्वेशन 10x इक्वल टू 4.77775 लिख दीजिए, जितने वाले थे। इक्वेशन टू अभी भी हमारा नहीं हो पा रहा है, तो हमारा इक्वेशन टू है। अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन टू में ध्यान देना, इक्वेशन टू में फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए कि, क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास दो इक्वेशन तो होना चाहिए माइनस करने के लिए, क्योंकि इससे माइनस तो हो ही नहीं पा रहा है। तो हम इक्वेशन टू में फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू 7 इधर आएगा, तो 47.77777, ठीक है ना? थ्री इक्वेशन है। क्या अब हम इक्वेशन थ्री माइनस टू कर सकते हैं? इक्वेशन थ्री माइनस टू बताओ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो नंबर है वही सेम नंबर यहाँ पे है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आप आराम से कर सकते हो। 100 में से 10 गया तो क्या हुआ, 90x इक्वल टू 47 में से 4 गया तो क्या हुआ, 43। तो एक्स का वैल्यू क्या हुआ, 43/90, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, देखिए। तो अब क्वेश्चन था कि हमें पहले 10 से फिर 100 से मल्टीप्लाई की है। देखिए अब देखिए, पहले 10 से मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब जब सिर्फ एक नंबर हो, मतलब एक नंबर हो और रिपीट हो रहा है बार, जैसे 6 6 है। लेकिन हमें दो बार मल्टीप्लाई तब करना होगा जब दो नंबर हो और लेकिन उसमें से रिपीट सिर्फ एक ही हो रहा है। अब क्वेश्चन था सीधे हम 100 से मल्टीप्लाई कब कर लेंगे, जब यहाँ पे दो नंबर हो और वो दोनों रिपीट हो रहे बार बार। जैसे कोई नंबर होता 09, पिछला बार रिपीट हो रहा था ना पिछले किसी क्वेश्चन में, तो 09 था तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो 0.09 09 09 09 जो होता 100 से मल्टीप्लाई करता है। यानी हम थोड़ा ध्यान दे के समझते हैं फिर ट्राई करते हैं। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस क्वेश्चन को आप एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना? फिर और समझ में आ जाएगा। इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन है वो कर लेते हैं ताकि फिर प्रॉब्लम ना आए कभी भी। देखिए 0.001, अब ध्यान दीजिए ये तीनों रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? तीनों रिपीट हो गया हो रहा है, यानी एक्स कोई नंबर है 0.001001001001 कोई नंबर ऐसा ही है, ठीक है ना? अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, क्या सिर्फ एक जीरो को मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा होगा? नहीं, इसमें सिर्फ सिर्फ जितना नंबर है ना पॉइंट के बाद, जितना नंबर है जो रिपीट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान दीजिए, याद थोड़ा कर लीजिए कि डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 0.6 था तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 0.47 था लेकिन इसमें सिर्फ 7 रिपीट हो रहा था, तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई करना हमें सुटेबल नहीं लग रहा था। तो हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई करके 4 इधर ले आए, उसके बाद 0, उसके बाद डेसिमल के बाद क्या नंबर था, एक ही नंबर था ना, इसलिए हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई किए, समझ रहे हो? तो थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। तो 10x इक्वल टू इधर करेंगे तो 0.001.001001 ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, 1000 पे से 1 गया तो क्या होगा, इक्वेशन टू इक्वेशन वन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन टू माइनस वन कर देंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे इक्वेशन वन इंटू 1000 के, 1000 क्यों किया आपको पता होना चाहिए, ठीक है? टू माइनस वन करेंगे तो 1000 में से 1 गया तो 999,
एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो जो माइनस करेंगे तो वन, और यहाँ तो जीरो ही हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन 999। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस क्वेश्चन में यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं। ठीक है,